नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। कुछ दिन पहले यानी बीती 12 तारीख को एक मामला निकलकर सामने आया था मुकलान नेशनल हाईवे के ऊपर, जहां पर एक क्रेटा गाड़ी में बैठे हुए दो दोस्तों के ऊपर दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धड़ाधड़ दो बार फायरिंग की गई और उसके बाद उन्हीं की गाड़ी को लेकर के जिसके अंदर 2,40,000 रुपये थे उसको लेकर के वो दोनों ही व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए। क्या है मामला, थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते हैं। मुकलान नेशनल हाईवे के ऊपर बने हुए एक बालाजी होटल के पीछे एक बीच फैक्ट्री है, जहाँ के मालिक अपने दोस्त से मिलने के लिए नेशनल हाईवे पर पहुँचते हैं। वो अपनी रीड्स गाड़ी में होते हैं और दोस्त होता है क्रेटा गाड़ी में। गाड़ी को छोड़कर दोनों सोचते हैं चलिए एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो क्रेटा में दोनों बैठ जाते हैं और रीड्स गाड़ी के अंदर ही चाबी भी छोड़ देते हैं और 2,40,000 रुपये भी उसी के अंदर थे। अचानक से जब वो बैठे हुए होते हैं तो पीछे से दो अज्ञात व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और दो फायरिंग भी उनके ऊपर की जाती है। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जैसे तैसे वो बच गए और अपनी जान बचाने के लिए जब वो वहाँ से भागे तो रीड्स गाड़ी वहीं पर रह जाती है और उसी गाड़ी को वही अज्ञात व्यक्ति वहाँ से ले जाते हैं, साथ ही वो 2,40,000 रुपये भी उसके साथ चले जाते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं लघु सचिवालय में, जहाँ पर DSP अशोक कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्या मामला है, एक ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, ये घटना है 12 तारीख की रात 9:30 की बात है कि बालाजी ढाबे के ऊपर एक गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें महेश कुमार और अपनी गाड़ी में बैठा था, पीछे से ऊपर फायर हुआ था, जिसमें उसकी लेडीज गाड़ी थी और जो दो बदमाश थे जसवीर और मनजीत नाम से, जो गाड़ी ले गए थे और उसमें गाड़ी में कैश था 2,40,000 रुपये, उनको लेके चले गए थे। जिनको गाड़ी को कैश को तो उसी दिन हमने बरामद कर लिया था, आज व्यापन और उनको गिरफ्तार किया है। इनको बाईपास पुल के नीचे से इनको गिरफ्तार किए हैं आज की डेट में, और पहले का जो इनका अभी तक कोई सी नहीं आई है। इनकी गांव में कोई पुरानी रंजिश है, उसको लेकर इन्होंने बैठक किया था।